17 माह बाद आखिर कुख्यात बदमाश पपला गुर्जर पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। बहरोड थाने की लॉकअप में बंद पपला गुर्जर को उसके साथी AK-47 से फायरिंग कर छुड़ा ले गए थे। करीब 19 माह बाद आखिर पपला गुर्जर को पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। जानकारी मिली है कि पपला को महाराष्ट्र के कोल्हापुर से गिरफ्तार किया गया है। जयपुर रेंज पुलिस द्वारा लगातार पपला की गिरफ्तारी को लेकर प्रयास किए जा रहे थे। आखिर पुलिस को आज सफलता मिली है। पपला गुर्जर को 5 सितंबर की रात को बहरोड पुलिस ने गश्त के दौरान करीब 31,90,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया था। जानकारी के अनुसार पपला यहाँ लादेन नामक अन्य बदमाश की हत्या करने के लिए आया था। बहरोड थाने में लॉकअप में बंद पपला को सुबह उसके साथियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर छुड़ा लिया था। 6 सितंबर 2019 से पपला गुर्जर फरार चल रहा था। राजस्थान पुलिस ने पपला पर 3,00,000 रुपए का इनाम रखा हुआ था। इस पूरे प्रकरण के बाद पुलिस पर भी गंभीर सवाल उठे थे। इस पूरे मामले में पूरा थाना ही लाइन हाजिर कर दिया गया और 2 पुलिस कर्मियों को नौकरी से बर्खास्त किया गया।